वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पीके प्रेम, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द जीवी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पावर स्टेज के बारे में। पावर स्टेज किसका? जनरेटर का। देखिए पावर स्टेज का मतलब है कि जनरेटर को जो हम लोग देते हैं कौन सा पावर देते हैं, मतलब जनरेटर में इनपुट पावर क्या देते हैं और जनरेटर से आप आउटपुट पावर क्या लेते हैं। ये आपको पता है कि जनरेटर को हम लोग मैकेनिकल पावर यानी यांत्रिक शक्ति देते हैं और जनरेटर से हम लोग जो आउटपुट लेते हैं या निर्गत शक्ति लेते हैं वह क्या लेते हैं, वह इलेक्ट्रिकल पावर लेते हैं। तो जितना पावर दिए आप वो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ और वो पावर खर्च होने के बावजूद आपको जो आउटपुट मिला, क्या आउटपुट मतलब आपको जो सप्लाई में इलेक्ट्रिकल के रूप में मिला वो वाट में कितना मिला, इन दोनों के बीच में हम लोग लॉसेस एफिशिएंसी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पावर का बंटवारा कहाँ कहाँ होता है ये हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पावर स्टेज जो ब्लॉक डायग्राम है इसको अच्छे से समझिएगा। इसको अच्छे से समझने का मतलब है कि आप एफिशिएंसी और लॉस आप निकाल सकते हैं। समझ बात को, थोड़ा सा हम आपको चर्चा कर रहे हैं। देखिए अपना क्या है, एक जनरेटर है और जनरेटर में जो हम लोग सप्लाई देते हैं, सप्लाई मतलब इनपुट, इनपुट जो देते हैं वो इनपुट क्या होता है, क्या होता है, यांत्रिक होता है। क्या होता है? यांत्रिक होता है। और हम लोग जो जनरेटर से लेते हैं वो लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल लेते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिकल, है ना। और इस जनरेटर में जो मशीन से देते हैं और जो आउटपुट लेते हैं वहां तक में देखिए कौन कौन से लॉसेस होते हैं और कौन कौन जगह पर आपको ये पावर का लॉस होता है, उसके बाद आपको पावर मिलता है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेज में आपको दिखा रहे हैं। देखिए फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम ये बता रहे कि कोई भी जनरेटर में हम लोग जो आउटपुट ड्राइविंग इंजन मैकेनिकल पावर इनपुट, कहने का मतलब जो मशीन होता था, सुनिए दिखाई देना, जो मशीन जनरेटर या डायनो को घुमाएगा उसको हम लोग मशीन का आउटपुट कौन, डीजल इंजन वाला का, डीजल इंजन वाला का आउटपुट, और डीजल इंजन का आउटपुट क्या हो जाएगा, जनरेटर के लिए इनपुट हो जाएगा। वही कह रहा है कि आउटपुट ड्राइविंग इंजन मैकेनिकल पावर इनपुट, मतलब यांत्रिक शक्ति इनपुट में देंगे। और आप याद रखिए कि मैकेनिकल इंजन का यानी डीजल इंजन में भी घूमने वाला पार्ट होता है और उसमें भी बियरिंग लगी होती है, उसमें भी पुली लगी, शाफ्ट लगी होती है, तो उसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा लॉस होता है। कौन सा? देखिए फ्रिक्शन लॉस, घर्षण हानि। कौन सा? घर्षण हानि। ध्यान दीजिएगा इस बात को आप जरूर समझे, घर्षण हानि। और घर्षण हानि मतलब फ्रिक्शन लॉस की आफ्टर देन किसको मिलता है, इलेक्ट्रिकल पावर इन आर्मेचर। किसको? वो जो पावर डीजल इंजन से मिलता है वो आर्मेचर को घुमाता है। किसके आर्मेचर को? जनरेटर के आर्मेचर को। और जनरेटर के आर्मेचर को घुमाता है तो जनरेटर का आर्मेचर कौन सा वोल्टेज पैदा करता है, यानी वोल्टेज मतलब कौन सा पावर। याद आपको कोई भी जनरेटर जो पावर डेवलप करता है, डेवलप पावर इन आर्मेचर यानी आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति क्या होता है, शक्ति यानी पावर इज इक्वल टू वी आई, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन जनरेटर में जो जनरेटर ईएमएफ होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है ईजी, और ईजी की वजह से कट जाता है आईए। याद है ये आर्मेचर में डेवलप पावर है, तो कोई भी आर्मेचर जो पावर डेवलप करेगा वो इलेक्ट्रिकल पावर करेगा। कौन सा? इलेक्ट्रिकल पावर। ये हुआ आर्मेचर में उत्पन्न पावर। अब बात कर रहे हैं आगे बढ़िएगा, ये जो उत्पन्न पावर है इसमें भी लॉसेस होते हैं, कहाँ कहाँ लॉस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो लॉस होता है वो आर्मेचर में जो कॉपर वाइंडिंग होता है, आर्मेचर में कॉपर लॉस होगा, होगा नहीं होगा, ये कह रहा है कि कॉपर लॉस होता है कहाँ, आर्मेचर में। तो जो पावर ये वाला इजी इनटू आई पावर ये पैदा किया और कॉपर लॉस हो गया यहाँ पर इस स्टेज में। और कॉपर लॉस कोई निगलेक्ट करें तब जो आपको जाकर मिलता है कहाँ, यही मिलता है आपको इलेक्ट्रिकल पावर और सब, मतलब टर्मिनल होता है जनरेटर का, वहां पर जो आपको पावर मिलता है वो कहाँ मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पर करंट आईएल, या इसको वीएल इनटू आईएल का ये बेहतर रहेगा। लोड पर मिलेगा वोल्टेज और लोड पर मिलेगा करंट। समझ रहे बात को? ये था शुरू से कितना पावर दिए और अंतिम में कितना पावर आपको मिला। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो पावर देते हैं हम लोग वो किसमें देते हैं, एचपी में, और जनरेटर का जो पावर मिलता है आपको वो मिलता है किसमें, किलोवाट में। याद रखिएगा पावर रेटिंग जनरेटर का क्या, शुरू में ही बताए थे आपको कि पावर रेटिंग जनरेटर का होता है किलोवाट में। ध्यान दीजिएगा किसमें, किलोवाट में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर है। लेकिन सर इसका कंपैरिजन करेंगे तो एचपी हॉर्स पावर है और यहाँ पर जो जनरेटर दे रहा है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है। तो याद रखिएगा ये किलोवाट में है, इसको भी किलोवाट में बदल सकते हैं आप, यानी किलोवाट यानी वाट में है तो एचपी को भी आप वाट में बदल सकते हैं। याद होगा आपको कि 1 एचपी इज इक्वल टू क्या होता है, 746 यानी 746 वाट। याद है आपको, ये आपका पावर स्टेज है। इसको अगर आप समझते हैं तो आप एफिशिएंसी और लॉस निकालने के लिए सबसे जबरदस्त ये डायग्राम है। यहाँ समझ जाएंगे ना कि कहाँ कौन सा इनपुट होगा और कहाँ डेवलप पावर होगा और कहाँ आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट किसमें देते हैं भाई, एचपी में, एचपी में, और आउटपुट किसमें मिलता है, वाट यानी किलोवाट में। तो आप कहीं एचपी में देंगे, इसी अब तुलना करेंगे इस वाट से तो एचपी को बदलना पड़ेगा वाट में, ठीक है। फिर आगे देखिए ये आपका था पावर स्टेज, इसको आपको समझाने के लिए हम बताएं। आप इसको क्या करिएगा, नोट करिए, थोड़ा सा प्रिंट करते हैं, एक बार देख लीजिए आपको जिस लोगों को ये लिखना वाली दीजिएगा और थोड़ा प्रिंट करते हैं। चलिए अब ये आप नोट कर सकते हैं पूरा फ्रीली, ठीक है, हो गया। चले आगे, अब हम लोग चलते हैं। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। इफिशियंसी, दक्षता, दक्षता मतलब इफिशियंसी मतलब कि आप जो, अब देखिए चर्चा शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप जो एचपी में हॉर्स पावर में इसको पावर इनपुट दिए और आपको जनरेटर जो किलोवाट में दिया उसके बीच का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो क्या कहलाएगा, उसका एफिशिएंसी कहलाएगा। चलिए जो आउटपुट होगा और इनपुट के बीच में रेशियो, अब देखिए क्या होता है, पावर एफिशिएंसी की बात करें, दक्षता की बात करें, तो दक्षता कौन कौन सा होता है, जनरली हम लोग दक्षता निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, नॉर्मली बात करें तो हम निकालते हैं आउटपुट बटा इनपुट, क्या आउटपुट बटा इनपुट यानी निर्गत, निर्गत पावर बटा क्या इनपुट, इनपुट पावर यानी दिया गया, निवेशित कहते हैं उसको। चलिए क्या कह रहा है कि जब जनरल दक्षता की बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर क्या लेता है, जनरेटर कौन सा पावर लेता है इनपुट में, एचपी लेता है, मशीन के साथ लगाता है ना जी, बताया कि नहीं, और कौन सा पावर देता है, इलेक्ट्रिकल पावर देता है। तो आप दक्षता निकालने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए नॉर्मल फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट, समझेगा। और जब परसेंटेज दक्षता की बात करें, इसी में क्या करेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
समझ रहे बात को, हमेशा आउटपुट बटा इनपुट, लेकिन यहाँ अलग अलग दक्षता की बात करता है। सभी दक्षता के बारे में जानेंगे, मतलब टोटल इफिशियंसी के बारे में जानेंगे। और याद रखिएगा, इफिशियंसी से फॉर्मूला आपको क्या करता है, लिख देगा, पूछेगा ऑल्ड एफिशियंसी, कमर्शियल एफिशियंसी, मैकेनिकल एफिशियंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशियंसी, ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये किसके किसके बीच में रेशियो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए, क्या कहा है, इफिशियंसी मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल देता है कौन सा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, और इनपुट मैकेनिकल पावर लेता है जनरेटर। आइए, इफिशियंसी बना क्या गया, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में, इनपुट में मैकेनिकल पावर। हिंदी में लिखने वाले हिंदी में लीजिएगा क्या, विद्युत शक्ति बटा यांत्रिक शक्ति, किसके लिए, जनरेटर के लिए। समझ गए, ये तो आपको पता, परसेंटेज दक्षता वाला आउटपुट बटा इनपुट 100 बढ़िया आगे। अच्छा अच्छा करते आगे जनरेटर प्रश्न वाले में कह रहा है कि मैकेनिकल इफिशियंसी मतलब मेरे दोस्त याद रखिएगा, यांत्रिक शक्ति, सॉरी यांत्रिक दक्षता, ये यांत्रिक दक्षता है। और यांत्रिक दक्षता किसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि जनरेटर मैकेनिकल इफिशियंसी का मतलब कितना इनपुट मैकेनिकल एचपी में दिए और वाट में निकलेगा आउटपुट, तो दोनों के कंपेरिजन का बात करेंगे। ध्यान दीजिए, जनरेटर द्वारा उत्पन्न शक्ति, तो जनरेटर द्वारा उत्पन्न शक्ति, उत्पन्न यानी जगह कि मैकेनिकल पूरा कहा देते हैं, आर्मेचर में पावर जो डेवलप होता था, याद है बीच वाला डायग्राम को देखिए, डायग्राम को तो वहां लिखा होगा, जनरेटर द्वारा उत्पन्न शक्ति और जनरेटर में इनपुट मैकेनिकल पावर, तो दोनों किसमें होना चाहिए, वाट में, किसमें, वाट में, क्योंकि आपका जो शक्ति देता है जनरेटर वो वाट में, और आप जो इनपुट देते थे एचपी में उसको भी बदलना पड़ेगा आपको वाट में। ध्यान दीजिए करना पड़ेगा, देखिए क्या है, जो पावर डेवलप होगा जनरेटर में, उत्पन्न शक्ति का मतलब उत्पन्न क्या होता है, आर्मेचर में उत्पन्न क्या होता है, आर्मेचर में, आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति हम आपको बताया ना, ईजी आई इन टू आई है ना, और जो मशीन द्वारा देते हैं वो क्या देते हैं, बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर, सब पर लगा कर देते हैं। और आपका ऐसा बीएचपी तो वाट में बदलने के लिए 740 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही लिखा है, ईएमएफ इंटू आईए, तो ईएमएफ क्या, ईजी इंटू आईए है ना, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट हुआ, कहा हुआ आर्मेचर, आर्मेचर कॉइल, तो आर्मेचर कॉइल में डेवलप और मशीन द्वारा दिया गया, इसका रेशियो मैकेनिकल पावर है। याद रखिएगा, इतना डेवलप जो पावर जनरेटर डेवलप करेगा, यानी जो पावर जनरेटर उत्पन्न करेगा वो आपको मिलेगा नहीं, समझे ना, तो ये पैदा हुआ शक्ति है जनरेटर का और ये मशीन का दिया हुआ शक्ति है, इसका रेशियो क्या करेगा, मशीन के साथ कंपेरिजन करेंगे, मशीन के दिए हुए वोल्टेज और जनरेटर के अंदर में पैदा हुआ वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, मैकेनिकल पावर, समझ गए, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाएगा, सॉरी ये मैकेनिकल पावर नहीं, मैकेनिकल एफिशिएंसी यानी यांत्रिक शक्ति का दक्षता, इसको नोट करते, नोट करिए, आगे बढ़े, ये देखिए कह रहा है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, अब इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी की बात करें, किसका, जनरेटर का इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी मतलब विद्युतीय दक्षता की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, विद्युतीय दक्षता, विद्युतीय दक्षता का मतलब याद रखिए कि विद्युत में ही अनुपात करेंगे। अब विद्युतीय दक्षता का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी जनरेटर क्या पैदा करता है, विद्युत शक्ति, और आउटपुट में क्या देता है, विद्युत शक्ति, पैदा करेगा विद्युत शक्ति तो देगा क्या, गधा शक्ति नहीं, विद्युत शक्ति ही देगा। तो देखिए, डेवलप जो करता है पावर, तो जो टोटल पावर उत्पन्न करता है आर्मेचर में वो क्या हुआ, टोटल, और मिलेगा आपको सब पर रियल इनटू आईएल, यानी उत्पन्न जो आपको डिलीवर्ड पावर मिलेगा, आउटपुट जो आपको मिलेगा टर्मिनल पर, उसके बारे में कह रहा है, कह रहा है जनरेटर द्वारा आउटपुट और जनरेटर द्वारा उत्पन्न शक्ति, कहने का मतलब है कि जनरेटर जितना पैदा किया उसके बाद जो आपको रियल इंटू आईएल मिला, पैदा कितना करता, फिर से बोल देना है, देखिए बार बार बोल रहे हैं, पैदा करेगा शक्ति क्या, इजी इंटू आईएल, आपको टर्मिनल पर मिलेगा रियल इंटू आईएल, ये पावर है, ये क्या है, पावर, याद रखिएगा फॉर्मूला को, आप फॉर्मूला याद रखिएगा, तभी मैं आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये पावर है, ये पावर आप लोग यूज करते हैं रियल इंटू आईएल लोड पर यूज करते हैं, लेकिन पैदा करता है ये पर इजी इंटू आईएल, समझ लेना बात को। चलिए अब देखिए, वही अनुपात मतलब पैदा किया उसके इनपुट समझिए, और जो आपको मिला वो आपके लिए आउटपुट है, उन दोनों का रेशियो इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल के बीच में रेशियो रियल इंटू आईएल आउटपुट ईएमएफ इंटू आईए क्या, जनरेटर में पैदा हुआ इनपुट समझ लीजिए, तो उसी का रेशियो क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी यानी विद्युतीय दक्षता। और परसेंटेज दक्षता की बात करें, इसमें क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका परसेंटेज इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ज्यादातर फॉर्मुला ही पूछा जाता है, कभी कभी आपको एफिशिएंसी पूछ लिया जाता है, ठीक है, एफिशिएंसी पर न्यूमेरिकल आपके जो ट्रेड है उस ट्रेड में जो कम पूछे जाते हैं, एफिशिएंसी पर सवाल, समझ पाए आप बात को। चलिए आगे बढ़े, अब हम चर्चा करें नेक्स्ट में क्या लिखा, दीजिए कह रहा है कि कमर्शियल या ऑल्ड एफिशिएंसी, अब ये कितना एफिशिएंसी बता रहा है, कमर्शियल एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ, कमर्शियल का मतलब आप समझेगा बिजनेस वाला, नहीं बिजनेस वाला की बात नहीं करते, कमर्शियल का मतलब हम लोग एक्चुअल में उसको देते हैं इनपुट और हम लोग लेते हैं उसका एक्चुअल में यूज करने के लिए, कमर्शियली का मतलब प्रायः जो हम लोग अब उसके अंदर में बनाने वाला ना, कितना उत्पन्न हुआ, कितना उसको मिला, ये लॉसेस तो जो बना था उसके लिए इलेक्ट्रिकल वाला, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं एक्चुअल में जो हम लोग बात करेंगे तो वो तो डायरेक्ट करते हैं कितना आपको इनपुट खर्चा हुआ और कितना आपको बेनिफिट हुआ, बीच की बात हमको ये पता नहीं करना है। कमर्शियली मतलब आप सोचिए, आप यूटिलाइज करते हैं तो मशीन में डीजल डालते हैं और वो पावर आउटपुट यांत्रिक शक्ति पैदा करता है डीजल, और उसे जनरेटर को अटैच करते हैं, क्या करते हैं, कम्बिनेशन करते हैं और चलाते हैं, आपको क्या मिलता है, आउटपुट पावर इलेक्ट्रिकल यानी किलोवाट में, वाट में मिलता है, तो सीधा सीधा आपने कितना दिया शुरू में और सबसे लास्ट में आपको टर्मिनल पर कितना मिला, ये मेन काम हमारा है, समझिए, आइए ध्यान दीजिएगा, अगर कमर्शियल या ऑल्ड एफिशिएंसी की बात करें तो क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर जो आपको मिल रहा है टर्मिनल पर कितना मिला है, रियल इंटू आईएल, और आप जो जनरेटर को चलाने के लिए प्रयोग किए वो कौन सा पावर था, मशीन लगा हुआ था मैकेनिकल पावर, डायरेक्ट मैकेनिकल पावर और डायरेक्ट आउटपुट में जनरेटर देगा, समझे ना, जनरेटर से प्राप्त पावर आपको किसमें मिलेगा, रियल इंटू आईएल में, मशीन जो दे रहा था ब्लॉक डायग्राम में देखिए, मशीन जो डायरेक्ट दे रहा था जनरेटर को घुमाने के लिए वो था बीएचपी, तो दोनों का वाट करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर में करें रियल इंटू आईएल, और इनपुट जो मैकेनिकल पावर दे रहे थे वो है बीएचपी इंटू 740, कितना बीएचपी इंटू 740 मतलब ब्रेक हॉर्स पावर को वाट में बदलना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा ऑल्ड एफिशिएंसी, ऑल्ड एफिशिएंसी मतलब सब दिन हम लोग यही प्रयोग करते हैं, समझ रहे आपको, बढ़िया आगे ये नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रियल इंटू आईएल टर्मिनल पर बीएचपी इंटू 740 मशीन वाला, डायरेक्ट मशीन से कंपेयर करें आउटपुट से, यही हम लोग को जरूरी है एक्चुअल में, ये बात ज्यादा पूछता है आपको ऑल्ड एफिशिएंसी क्या होता है, समझ गए, अब आगे बढ़े, चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं कि टोटली जो लॉस होता है और लॉस की वजह से टोटल हम लोग को कितना मिलेगा बेनिफिट, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपको जो निकलेगा ना वो क्या होगा, देखिए आयरन का वो घर्षण हानि आपको निकालना है, आयरन लॉस, ये आयरन वो घर्षण हानि की बात कर रहा है, क्या निकालना है, आयरन व घर्षण यानी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लॉस, याद है फ्रिक्शन लॉस, ये आपको कैसे निकलेगा। आयरन लॉस कहाँ होता है, आयरन लॉस होता है आर्मेचर के कोर में और फील्ड के कोर में। आयरन का मतलब जो मेटल आप इसमें यूज कर रहे हैं, चाहे सिलिकॉन स्टील यूज कर रहे हैं या नॉर्मल स्टील यूज कर रहे हैं, ये लोहे का है ना, समझ रहे हैं, लोहे का मतलब लोहे से फेरस की बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं, तो पूरा नाम आयरन में देते हैं। तो ये आयरन लॉस आपको जो पता करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कैसे पता करेंगे, लॉस से सीधा सीधा पता करने के लिए आप कितना इनपुट टोटल जनरेटर को दे रहे हैं, तो टोटल आप बीएचपी इंटू 746 दे रहे हैं, कितना बीएचपी इंटू 746, ये बीएचपी इंटू 746 समझ रहे ना भाई, बीएचपी इंटू 746 का मतलब मशीन यांत्रिक शक्ति बीएचपी में देते हैं, उसी को वाट में बदल लेते हैं, समझ रहे ना, तो वाट में बदलेंगे इतना टोटल इनपुट पावर होगा जनरेटर के लिए। और वो जो पैदा करता है वो ईएमएफ कहाँ पैदा करता है, आर्मेचर में, तो ईएमएफ मतलब ईजी भी लिख सकते हैं, ईजी इंटू आईए, आगे पर लिखेगा ईएमएफ इंटू आईए, इसका जो अंतर निकालिए मशीन को कितना दिए और आउटपुट आपको कितना मिला पावर, तो आउटपुट पावर कम मिलता है क्योंकि मशीन के साथ हो जाता है, तो जो टोटल इनपुट है और आर्मेचर में ईजी इंटू आईए आपका डेवलप पावर है ना आर्मेचर में, इनका अंतर इसका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आयरन व फ्रिक्शन लॉस निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट में कॉपर लॉस की बात करें, टोटल कुल कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस की बात करें, कॉपर लॉस अलग अलग होता है, आर्मेचर में कॉपर लॉस, फ्रंट फील्ड में कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड में कॉपर लॉस, तीन जगह कॉपर लॉस होता था, लेकिन पूरे मशीन का आपको कॉपर लॉस तुरंत निकालना है बिना अलग अलग फॉर्मूला के, तो टोटल आपको क्या पता होना चाहिए, टोटल कितना पैदा किया आर्मेचर, तो आर्मेचर में कॉपर लॉस वगैरह की वजह से तब आपको जो आउटपुट मिलता है उसका रेशियो घटा दीजिए ना, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन घटा दीजिए, आपको निकल जाएगा क्या कॉपर लॉस। देखिए पैदा कहाँ होता है, पावर कहाँ डेवलप होता है, पावर डेवलप होता है आर्मेचर में, तो आर्मेचर में कॉपर होता है, तो आर्मेचर का कॉपर लॉस क्या निकाल लीजिए, किसका कॉपर लॉस, आर्मेचर में पैदा हुआ क्या इजी इनटू आईए, ये पावर ना पैदा हुआ जी आर्मेचर में, किसमें आर्मेचर में, और माइनस आर्मेचर में जितना इलेक्ट्रिकल पावर पैदा हुआ कॉपर लॉस टोटल निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल पर पावर कितना है, टर्मिनल एग्जांपल समझ लीजिए कि पैदा किया 200 वाट समझ रहे, और टर्मिनल पर मिला आपको 150 वाट समझ रहे हैं, तो जो पैदा किया टोटल 200 आर्मेचर में पैदा हुआ आपको टर्मिनल पर मिला 150 वाट, तो ध्यान दीजिएगा ये जो बीच वाला क्या होगा लॉस हो जाएगा, लॉस कितने का 50 वाट का डायरेक्टली, तो 50 वाट का लॉस है वो किसके बाद है कॉपर में जो आर्मेचर में उत्पन्न हुई ना, इसलिए बोलते टोटल कॉपर लॉस की फॉर्मूला होता है ईएमएफ इनटू आईए या तो ईजी इनटू आईए माइनस वीएल इनटू आईएल, वीएल इनटू आईएल क्या टर्मिनल पर पावर, टर्मिनल पर पावर है, ये लोड पर पावर मिलता है, समझ गए आपको, ये थे लॉस निकालने के लिए और इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो आपको ब्रीफली बताएं आराम से बताएं, ठीक है, हमने आपको बताया था कि इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है ना, तो कुछ न्यूमेरिकल जो बेसिक फॉर्मूला पर आधारित है, दो चार न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर ले और बनाने का प्रोसीजर हमको पता हो जाना चाहिए तो बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आइए अब आगे हम लोग कहाँ अपने न्यूमेरिकल की तरफ, ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे तो टोटल हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है, इसको देखिएगा ध्यान दीजिए क्या कहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ जनरेटर बाय 10 पोल वेव बाउंड, जैसे कहा 10 पोल वेव बाउंड यही से कहानी शुरू जाती है और इसको क्लियरली हम लिखेंगे, समझे ना, क्या करा है कि जो मशीन है उसका पोल यानी दिया गया क्या है, मतलब गिवन डाटा दिया गया है, क्या दिया गया है भाई कि ध्रुव यानी पोल, कितने पोल का जनरेटर बनाया है, ये कह रहा है 10 पोल का, कितने का 10 पोल, ये है ना कि भाई 10 पोल, ध्यान दीजिएगा, और 10 पोल का जनरेटर है, कह रहा है कि ये वेव बाउंडिंग है, जब का वेव बाउंडिंग तो इसको यहां पर आप एकदम इसको जरूर लिख लीजिएगा, क्या वेव बाउंड या वेव बाउंडिंग, तो वेव बाउंडिंग में क्या होता है, एक चीज हम आपको बताए थे कि वेव बाउंडिंग में ए बराबर क्या होता है 2 हमेशा, इसको तो सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, पढ़ लिया था, नेक्स्ट कह रहा है कि वाउंड जनरेटर हैविंग 100 कॉइल, कितना कॉइल 100 कॉइल स्लॉट्स एंड विथ 10 कंडक्टर पर स्लॉट व्हेन ए ड्राइविंग एट 1200 आरपीएम देन फ्लक्स पर पोल 0.01 वेबर, तो क्या होगा आपको कैलकुलेट करना है, एमएफ एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, कह रहा है कि 100 खांचे वाली और प्रति खांचे में 10 कंडक्टर चालक युक्त ध्रुव तरंग, देखिए तरंग लेपित लिखा है, क्या लिखा है तरंग लेपित, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा तरंग लेपित, तरंग लेपित मतलब वेव बाइंडिंग, दोनों चीजें जनित्र जब 1200 आरपीएम पे परिचालित होता है 1200 के स्पीड पर घुमाता है तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा भाई, तो देखिए ए बराबर इतना हुआ, और देखिए कंडक्टर यानी चालक की संख्या की बात करें तो क्या कहा स्लॉट जो होता है आर्मेचर में होता है, तो कह रहा है कि 100 स्लॉट है, सब स्लॉट में कॉइल की संख्या कितनी है 10 है, कितना 10, तो टोटल कंडक्टर टोटल चालक की संख्या कितना हो जाएगा 1000, कोई दिक्कत यहां तक, जो जो दिया है यहां पर लिखना पड़ेगा, समझ गए, अब आगे कह रहा है कि इसे 1200 आरपीएम पे परिचालित किया जाता है, तो 1200 आरपीएम मतलब क्या एन का मान कितना है, एन मतलब स्पीड, स्पीड कितना है इसका ये 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है जो फ्लक्स है फ्लक्स का जो क्वांटिटी है मात्रा है वह 0.01 क्या 0.01 यहां पर लिखा है वेबर 0.0 वेबर, और याद रखिए आपको फ्लक्स रहना भी चाहिए हमेशा किसमें वेबर, किसमें वेबर, अब देखिए पहला परिकरण कीजिए कि प्रति ध्रुव फ्लक्स यदि दिया जाए तो ईएमएफ कितना होगा, आपको बता दिए कि ईएमएफ जो पैदा करता है यानी ईएमएफ मतलब इजी विद्युत वाहक बल को किससे सूचित करते हैं इजी से, तो इजी के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान दीजिए कि आपको पता है ईएमएफ जो पैदा करेगा ईएमएफ बराबर यानी इजी इक्वल टू आपको फॉर्मूला बताया था याद है फाइ जेड एन पी बटा 60 ए, ये था ना, था कि नहीं था ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, पिछले हम फॉर्मूला हमसे याद रखिए एक्चुअली याद हो गया होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे इसी पर, ठीक है फाइव जेड एन पी मतलब क्या याद रखिए फाइव का मान कितना है 0.01 वेबर दिया गया, कितना 0.01 वेबर फाइव लिख दिए, अब क्या है जेड, तो जेड की जगह पे कंडक्टर की संख्या, तो जेड क्या है जेड कितना है जेड, जेड का मान 1000 1000 है नंबर ऑफ कंडक्टर, तो यहां क्या होगा 1000, समझ रहे आपको, अब चले अब क्या लिखा है फाइव हो गया
जेड हो गया, अब एन, एन मतलब स्पीड, स्पीड कितना है 1200 यानी 1200, और पी कितने पोल का जनरेटर है, उन्होंने कहा याद रखिए पी यानी पी है कितना 10 पोल का, तो लिख देंगे यहां 10 पोल, और क्या जाएगा अपॉन यानी बटे में क्या जाएगा, बटा जाएगा क्या 60 into A, और ये कौन सा जनरेटर का वाइंडिंग है, तो ये वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग क्या जाएगा 2, अगर इसको कैलकुलेशन करिए तो आपको रिजल्ट देख लीजिए क्या आएगा, ये ध्यान दीजिएगा ये डेसिमल क्या गया हट गया, और डेसिमल हटा दीजिए क्या जाएगा 100, ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 ये 0 कैंसिल, ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया, और आपको याद रखिए ये क्या जाएगा 2 से 60 गया, और 60 ये 6 है ये कितना जाएगा 10 में जाएगा, और ये 100 into 10 यानी 100 × 10 टोटल जाएगा कितना 1000 वोल्ट, ये क्या है ईजी यानी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईएमएफ, कितना पड़ा होगा ऑप्शन है कहीं पर ये है कि नहीं है, चलिए आपका आंसर हो गया क्या बी, याद रखिए ये क्वेश्चन कहां पूछा गया आपको इसरो में पूछा गया, और इसरो में बहुत दिन पहले नहीं, ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो हम लोग बोलते हैं ये टॉप मोस्ट जॉब होता है आईटीआई में, ठीक है ना, आईटीआई के लिए इससे बेहतर अभी तक नहीं माना जाता है डीआरडीओ इसरो यहां पर, ठीक है, अब सोचिए रिसर्च सेंटर में आपको जॉब मिल जाए कितनी बड़ी बात, ये क्लियर है, चले कंप्लीट, समझ आ रहा है कि नहीं, जो दिया गया है फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा, देखिए हम सभी क्वेश्चन को बेसिकली आपको बता रहे हैं, सभी के टाइप पर बता रहे हैं, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बन जाना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या है ये 4 पोल डीसी जनरेटर हैज लेप वन, क्या डीसी जनरेटर हैज लेप वन, आप देखिए लेप वन पता चल गया, आर्मेचर विद 50 स्लॉट्स विद 16 कंडक्टर्स पर स्लॉट, द यूजफुल फ्लक्स पर पोल 30 मिली वेबर टू जनरेट एन ईएमएफ ऑफ 240 वोल्ट, जनरेट ईएमएफ ये गिवन कर दिया है डाटा, कह रहा है कि द मैकेनिकल मस्ट द हीट ड्राइव, मतलब अब देखिए आपको समझ रहा है कि ये क्या है, सीधा सीधा हिंदी में भी समझ लीजिए, ये 4 पोल का जनरेटर है, जो कौन सा है लेप वन है, लेप वन है 50 स्लॉट का है, आर्मेचर में जो स्लॉट की संख्या खाचा जिसमें कॉपर कॉइल लपेटे थे उसमें कितना खाचा है स्लॉट्स है, ये क्या है 50 स्लॉट है, और पर स्लॉट में कितना है 16 कंडक्टर चालक है, समझ गए ना आपको, और कह रहा है कि पर पोल कितना 30 मिली वेबर का फ्लक्स देता है, और ये कह रहा है कि मशीन कितना स्पीड से घुमाना पड़ेगा तब आपको 240 वोल्ट पर जाओ, समझ बात को क्या कह दिया, अब आपको समझ में आना चाहिए, आपको अगर क्वेश्चंस अब हमारा मत देखते रहिए हमेशा, आप इसको पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, आप पहले सॉल्व कर लीजिए आपका जो आंसर आएगा फिर उसके बाद जब बनाइएगा, अरे अभी बनाने वाले हैं है ना, तो कौन सा अकेले में तीन मार देगा, कोई नहीं, कोई देख लेगा, पड़ोसी देख लेगा तो गाली देगा क्या, पुलिस पकड़ के तो नहीं जाएगा, आप गलत ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, सही करने के लिए हम है, समझ बात को, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, अब गिवन है 4 पोल जनरेटर, तो 4 पोल जनरेटर मतलब गिवन क्या है, गिवन में बात करें तो पी कितना है 4 पोल, कितना है 4 पोल, और क्या है ये ना कि आर्मेचर में कितना स्लॉट 50 स्लॉट है और 16 कंडक्टर पर स्लॉट में, तो स्लॉट में कंडक्टर मतलब चालक की संख्या की बात करें तो चालक की संख्या की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जेड से सूचित करते हैं तो जेड का कितना खाचा है 50, और सब में टोटल में एवरी स्लॉट में कितना है 16 कंडक्टर है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए 16×80 मतलब 800 कंडक्टर हो गया, अब क्या कर रहा है कि फ्लक्स जो है फाइव का मान, फ्लक्स मतलब फाइव फ्लक्स यानी फाइव, फाइव का जो वैल्यू है वो कितना है 30 mWb यानी 30 मिली वेबर, 30 मिली वेबर है, तो आपको बता दें कि मिली वेबर को हमेशा किसमें आना है, वेबर को, फ्लक्स का मान जो जनरेटर निकाल जनरेटर का ईएमएफ निकालते हैं उसके किसमें होना चाहिए, वेबर में होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए 30 मिली वेबर को आप 1000 से भाग दीजिए ये क्या हो जाएगा वेबर में, और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखते थे सीधा इसी को 30×10⁻³ लिखते थे, याद आ रहा है आपको, ये देखिए 1000 है 1000 पर क्या हो जाएगा, ये देखिए आपको क्वेश्चन बता दें मैथमेटिकल 1/1000 यानी 1000, इसका मतलब 1/10³ ऐसे का मतलब 10⁻³ होता है, समझे, चलिए हम इसको लिखते हैं, इसको आप वेबर में हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यूबी में, अब क्या दिया गया है कह रहा है कि 240 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए, मतलब 240 वोल्ट मतलब ईजी, इस बार जनरेटर ईएमएफ दे दिया कि 240 वोल्ट पैदा करने के लिए, मतलब इस बार ईजी का वैल्यू ईजी इज इक्वल टू 220 वोल्ट, भाई पूछ रहा है कितना स्पीड से घुमाना पड़ेगा यानी आरपीएम एन का मान, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसी फॉर्मूला में एन यानी स्पीड के लिए तो है ये ना, तो चलिए सॉल्व करते आगे बढ़ते हैं, अपना फॉर्मूला वही होगा क्या ईजी इज इक्वल टू 5ZnP, ठीक है, और याद रखिए बटा 60A, ठीक, अब आपको n निकालना है तो n निकालने के फॉर्मूला क्या सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई करके क्रॉस वाला दिया जाएगा eg into देखिए क्या होगा 60 और इसी के साथ a चला जाएगा a into a और ये देखिए n है ये इसके नीचे में आता ये क्या हो जाएगा n को सी कर लिए तो आपको हो जाएगा 5 z और p, ये आपको स्पीड निकालने के फॉर्मूला यहां निकल गया, आप कुछ नहीं करना है, आपका जो गिवन डाटा है उसको इसके अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो लिख दीजिए, इस पर इनपुट को क्या कर दिए इस पर पुट कर दीजिए, अब पुट करने के बाद जो नहीं दिया गया वैल्यू निकल जाएगा, आपको n का मान निकालना है, n किसमें लिखेगा rpm में, इसको देखिए अब आप देख सकते हैं eg का वैल्यू कितना है 240 n 20, ये याद रखिए 240 वोल्ट और 60 तो पहले से 60 है और ए अब याद रखिए क्या है, याद रखो मेरे भाई ये बोल रहा है ये क्या है जनरेटर है लेप वन, तो ये तीस बार छोड़ दिया आप कि लेप वन की अगर चर्चा करेगा लेप वन हिंदी में लिखते हैं लेप वन, जब लेप वन बोलेगा ये तो हमेशा याद रखिएगा लेप वन में ए बराबर क्या होता है पी, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लेप वन में धारा यानी करंट के समांतर रास्ते पोल की संख्या के बराबर होते हैं ए बराबर पी, याद रखिए ए बराबर पी है तो पी का मान कितना है पी अभी 4 पोल है हो गया यानी क्या हो जाएगा 4, और ये देखिए याद रखिए अब नीचे में क्या है 5, तो 5 कितना है 30 मिली वेबर था तो उसको बदले देखिए वेबर में, ये हो गया आपका क्या ये −30 × 10⁻³, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करें तो कैसे 5 × z कंडक्टर की संख्या कितना 800, कितना दिया गया है चालक की संख्या 800, ठीक है, और सॉल्व करिए आगे कितना 5 हो गया जेड हो गया पी का मान कितना है 4, तो पी का मान 4 है तो 4 राइट कैसे हो गया ये जीरो कैसे हो गया समझ रहे हैं, और ये जीरो कैसे हो गया समझ रहे हैं आपको, अब इसको जो है हम लोग क्या करें सीधा सीधा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या सब बच गया 24
इंटू सिक्स, ठीक है, और ऑब्लिक में कितना बच गया है, ये बटे में बच गया 30, और याद रखिए 10 पावर माइनस 3 है, ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पावर 3 यानी 1000। अब ध्यान दीजिए ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये याद रखिए 3 2 6 हो गया, 3 2 6 ना। अब याद रखिए कि 2 2 4 हां इनटू 100, और बात करें ये हो जाएगा कितना 400 आरपीएम, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन पर थोड़ा मिसहैंडलिंग हो तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपको मेन जो फॉर्मूला है उसको हमने आपको बताया। ये आप देखिए एक ही फॉर्मूला है, आप क्या क्या कर सकते हैं, स्पीड भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर पता कर सकते हैं, तो कुछ भी पूछे आपको, ये इजी वाला 5 ZNP स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर जो चीज दिया है वो लिख दीजिए, जो नहीं दिया है वो इसे निकल जाएगा। इसे क्या क्या निकाल सकते हैं याद रखिए, आप कितना वोल्टेज पैदा करेगा जनरेटर ये तो पैदा कर सकता है, ये आपको पता हो सकता है इजी के लिए। कभी फ्लक्स का मान कितना होना चाहिए ये भी निकल सकता है, फाई का मान कहेगा कि इतना वोल्टेज पैदा किया सारा चीज स्पीड भी देगा और फ्लक्स भी देगा, तो बताइए इसमें कितना कंडक्टर चाहिए, तो जेड का मान भी आप निकाल सकते हैं। और ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है कितने पोल का जनरेटर होगा, तो पोल की संख्या भी आप निकाल सकते हैं। आगे हम आपको अभी तो नहीं बता सकते, जैसे मोटर में जाएंगे, मोटर में कंप्लीट करेंगे आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे 3 फेज मोटर में जाएंगे वहां तक आपको ये हम आपको विश्वास जाते हैं कि देखते ही देखते कितने पोल का जनरेटर है आपको पता चल जाएगा, करेगा कितना पोल का जनरेटर है तो कितना स्पीड देगा, ये आपको बिना फॉर्मूला का हम आपको निकालेंगे बताएंगे। नॉर्मली आप एकदम कंसीडर कर लेंगे, आपको ये बात समझा कर छोड़ेंगे कि बिना फॉर्मूला का याद नहीं रह पाऊंगा, तो स्पीड और पोल की संख्या दो चीज की हमसे बात कर रहे हैं, ये आपको कभी नहीं भूल सकते आप। आगे चलिए तब ठीक है, अभी चलिए धीरे ये आप सॉल्व कर लीजिए, बड़े आगे चलिए नोट कर लीजिए पूरा। चलिए अपना ये क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी 2 में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि शंट जनरेटर 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर 195 एम्पीयर प्रदान करता है, आर्मेचर प्रतिरोध और शंट प्रतिरोध कम से इतना है और 50 ओम है, कह रहा है कि बताइए कि जनित्र का विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। इजी का मान कितना हो जाएगा, यानी जनरेटर जो है कितना ईएमएफ उत्पन्न करेगा। इस बार तो ना स्पीड दिया आपको, इस बार ना तो आपको क्या दिया फ्लक्स दिया, ना क्या दिया पोल की संख्या भी नहीं दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम आपको शंट जनरेटर के बारे में बताए थे। ये कौन सा जनरेटर है, ये बताया शंट जनरेटर, याद रखिए अब हम बनाते हैं शंट जनरेटर एकदम क्लियरली समझिएगा, क्या कह रहा है कि एक शंट जनरेटर है, तो शंट जनरेटर का क्या होगा, ये अपना ब्रश है, और याद रखिए शंट जनरेटर का मतलब इसमें शंट फील्ड होगा, याद आए, और यहाँ क्या होगा अपना ये लोड होगा, LOAD लोड, समझ रहे बात को, लोड होगा। अब देखिए आपको पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा करंट होगा, कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ होगा, और कौन सा लोड और कौन सा वोल्टेज कहाँ होगा, ये बात आपको समझ आना चाहिए। आर्मेचर है ये क्या है, इसमें पहला होगा I है, और इसका आर्मेचर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, याद आ रहा है RA यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस, और जो IA निकलेगा ठीक है किधर से आर्मेचर में पैदा हुआ और निकला किधर किधर जाएगा, एक जाएगा लोड की तरफ जिसको हम लोग बोलेंगे IL, और एक जाएगा शंट फील्ड की तरफ उसको बोलेंगे हम लोग ISH, यानी शंट फील्ड में जो करंट आएगा वो हो जाएगा ISH, यानी शंट फील्ड का करंट, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे RSH, अब लोड में आएगा IL, और लोड पर रेजिस्टेंस को RL बोलेंगे यानी लोड रेजिस्टेंस बोलेंगे, ये आपको बनाना, ये आप शुरू शुरू में जरूर बनाइएगा, बाकी तो आपको फॉर्मूला निकाल के आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब डाटा क्या क्या दिया गया है ये बात आपको पता होना चाहिए, कह रहा है कि 250 वोल्ट टर्मिनल पर भी बांधता है, किस पर टर्मिनल पर, भाई टर्मिनल पर तो क्या जाएगा VN, ठीक है, देखिए क्या दिया गया, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया गया भाई VN दिया गया आपको, याद रखिए 250 वोल्ट, और क्या कह रहा है कि 195 एम्पियर प्रदान करता है, कितना लोड पर भी वोल्टेज तो दे रहा है, ये बता रहा है प्रदान करता का मतलब है कि आउटपुट में कितना करंट दे रहा है, आउटपुट में करंट का मतलब लोड पर ही करंट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है लोड करंट, लोड पर करंट को क्या बोलते हैं हम लोग IL बोलते हैं, ये कितना है 195 एम्पियर, और देखिए क्या कह रहा है कि आर्मेचर का प्रतिरोध और शंट प्रतिरोध कितना है, ये लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा क्लियर लिखिए कि आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध कितना दिया गया है 0.02, याद रखिएगा एक चीज नोट कर लीजिएगा कि आर्मेचर का प्रतिरोध हमेशा 2 ओम से कम होता है, याद रखिएगा मैक्सिमम जो पैरामीटर पे किया गया है 2 ओम से कम, लेकिन लगभग अभी अभी जो सवाल हम बनाएंगे ना क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो हमेशा आर्मेचर का रेजिस्टेंस देखिएगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस ऑलवेज 0.02 0.05 0.06 इस तरह आएगा, लगभग 1 से कम ही आता है, जनरली जो मेजरमेंट का सीमा है बॉर्डर लाइन वो 2 ओम है, कितना 2 ओम, ये देखिए कितना 0.02 ओम है आर्मेचर का प्रतिरोध, याद रखिएगा कि आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, समझ गए, ये ओम में होगा। आर्मेचर प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, आर्मेचर प्रतिरोध को RA बोलेंगे, समझ गए। उसके बाद क्या है शंट फील्ड का प्रतिरोध, तो शंट फील्ड में आपको याद है कि ये क्या है शंट जनरेटर है, और शंट जनरेटर में नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं अधिक होते हैं, यानी शंट फील्ड का वाइंडिंग होता है उसमें अधिक टर्न की संख्या होती है, लेकिन तार क्या होता है पतला होता है, ये बात हम आपको बता रही है। सवाल हम इतना देर से इसलिए बना रहे हैं ये तुरंत बन जाएगा, आपको 30 से 40 सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन समझना है तो पहले शुरू में आपको इतना टाइम तो आपको बताने के लिए देना पड़ेगा, पहले समझ लेंगे तभी तो स्पीड बढ़ाएंगे। चलिए अब गाड़ी चलाने के लिए होगा तब स्पीड बढ़ाएंगे भाई, अब गाड़ी चलाने के लिए लगेगा, गाड़ी को चलाने के बाइक सीखने मान लीजिए तो बाइक को सीखने के लिए कई दिन लग जाते हैं ना, जब सीख जाते हैं तब क्या होता है तुरंत एक्सीलरेटर मारे 120 स्पीड पर पता चलता है कि सोचते हैं कि एरोप्लेन से पहले हम पहुंच जाए, इतना फास्ट चलाते हैं, तो पहले सीखिएगा चलाने के लिए कला तो ना। आइए शंट प्रतिरोध की बात करें, हम लिख रहे हैं इस बार पूरा पूरा, लेकिन इतना भाषा नहीं लिखना है, सीखना है बस, सीख गए तो आगे बढ़ना। शंट प्रतिरोध मतलब RSH है ना, शंट प्रतिरोध RSH है, RSH का मतलब कितना है दिया गया है यहाँ पर 50 ओम यानी 50 ओम, ठीक है। आप जो भी पूछा है वो आपको निकालना है, अब बताइए आपको पूछा है कि ये जनरेटर कितना पैदा करेगा EMF है ना, टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ था आप इसको, ये टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ था, टर्मिनल पर वोल्टेज ये पैदा हुआ वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब है याद रखिएगा आपका आंसर आना चाहिए इससे ज्यादा, यानी 250 वोल्ट आपको टर्मिनल पर मिल रहा है तो कोई भी जनरेटर अपने अंदर में मतलब आर्मेचर में जो जनरेट यहाँ पर पता होगा ये मोर देन 250 होगा, मोर देन 250 मींस इससे मैक्सिमम होगा है कि नहीं। चलिए तो कैसे निकालिए, देखिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे सर जनरेटर में, चीज आपको याद होगा नहीं याद है तो हम याद कर सकते हैं, अब हम तो बताएंगे लेकिन आप याद रखिए। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पहले आपने समझ लिया तब उसकी जरूरत क्या हुई बताए, हम बोले क्योंकि इजी जो होता है ये पूछा आपसे, इजी वाला आपको 5 ZNP होता है, 5 है नहीं है, जेड नहीं है, पी नहीं है, ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि भाई VT प्लस IARA, याद है टर्मिनल पर जो वोल्टेज मिला
ये और कितना पैदा किया, अब जो लॉस हुआ किसमें, पैदा आर्मेचर में जो लॉस हुआ, आई ए इंटू आर ए ड्रॉप होता है ना, पैदा किया इजी इंटू आई ए, या तो इजी इजी पैदा किया वो आई ए था तो वहाँ ड्रॉप भी हुआ आई ए इंटू आर ए था ना आर्मेचर में ड्रॉप, ये ड्रॉप टर्नर पर कितना मिला, कितना लॉस होकर ड्रॉप हो गया, उस दोनों को जोड़ लीजिएगा तो पता चलेगा कितना वोल्टेज पैदा हुआ था, पैदा हुआ पता करने के टर्नर पर और जो उसमें लॉस हो गया उसको जोड़ लीजिए, तो टर्नर पर लॉस को जोड़ लीजिएगा तो कितना पैदा किया ये मिल जाएगा, इजी मिल जाएगा, याद रखिए टर्नर वोल्टेज आपको दिया दिया गया, याद रखिए यहाँ 250 वोल्ट, सब कहेंगे यहाँ तो रख देंगे 250 वोल्ट, चलिए आपको रख देते 250 वोल्ट, अब आइए इनको आगे कहाँ से लाएंगे, देखिए आर ए का मान मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस करें, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझिए पूरा क्लियरली आपको हो जाएगा, कहेंगे सर आई ए निकालने के लिए सम फील्ड में आई ए निकालने के लिए क्या बताया आपको, याद है आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, आई एल प्लस आई एस एच, यही ना यही दो करंट बढ़ जाता है दोनों तरफ जो आर्मेचर से निकलता है, तो ये आपको पता करना है, पता करना है, देखिए आई एल प्लस आई एस एच, आई एल दिया गया है 195, देखिए सबको आधा छोड़ रहे हैं कि जरूरत मुश्किलें कहाँ आती है, तो मुश्किल का समाधान कैसे करेंगे, यहाँ पर आई ए आर ए पूछा था, तो आई ए आर ए आप यहाँ लिख भी दीजिएगा, आप कहेंगे सर आई ए लिख दीजिए ना, आर ए का मान दिया गया, आर ए का मान है 0.02, लेकिन आई ए नहीं है ना, आई ए पता करना पड़ेगा, तो आई ए के लिए फॉर्मूला बताए थे कि आई ए जो होगा आई एस एच प्लस आई एल दोनों बढ़ता तो छोड़ेंगे, अब यहाँ पर आपको आई एल पता है 195 एम्पियर दिया गया है, लेकिन आई एल अब आई एस एच आपको पता ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा एक चीज आपको समझाते हैं, यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज था वो 250 दिया था, कितना 250, याद रखिए ये लोड आर्मेचर और सम प्रतिरोध तीनों जो है किसमें पैरेलल में समांतर में, किसमें समांतर में है, तो याद रखिएगा कि तीनों समांतर में होगा सभी का वोल्टेज क्या सेम होगा, होता है यहाँ भी 250 आई ए आर ए भी 250 और ये सन फील्ड पर क्या हो जाएगा 250 होगा, यानी बी एस एच भी कितना जाएगा 250, तो याद रखिए आई एस एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ निकाल देते बगल में ये लिखा क्या आई एस एच, आई एस एच इज इक्वल टू आई मतलब आई वी बटे आर, तो जहाँ का वी निकल रहे हैं तो संट का करंट निकालना है, संट में कितना करंट जा रहा है तो संट का वोल्टेज वी एस एच और संट का रेजिस्टेंस आर एस एच, ये निकालना है, ये अगर निकालेंगे तो यहाँ आई एस एच मिल जाएगा आपको, आई एस एच लिख लीजिए, तो देखिए आई एस एच वाला फॉर्मूला वापस लिखा है, इतना बकवास लिखना नहीं है, यहाँ आपको साइड में बता रहे हैं लेकिन यहीं पर लिख देना आप, बार बार लिखेंगे अलग अलग नहीं, आई एस एच वाला क्या लिख दीजिए, आई एस एच वाला होगा वी एस एच बटे आर एस एच, ये लिख दीजिए, ठीक है 195 प्लस 250 और बटे में आर एस एच कितना है, आर एस एच कितना है, आर एस एच है 50, कितना 50 ओम, तो 50 ओम लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 195 प्लस ये कट जाएगा कितना 5 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 200 एम्पियर, यानी आई ए का मान 200 एम्पियर, आप कुछ नहीं करना है, ये आपको तुरंत बन जाएगा प्रैक्टिस पर, इतना जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अब है 250 इंटू देखिए आई ए है, आई ए निकल गया 200 इंटू 0.02 ये हो जाएगा 250, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो जोड़िएगा एड करिएगा हो जाएगा 4, यानी इसको कैलकुलेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 और टोटल हो जाएगा 254 वोल्ट, यानी आपका जो जनरेटर था वो इजी कितना पैदा किया 254 वोल्ट, देखिए ऑप्शन में कहीं 254 वोल्ट है, ये 254 वोल्ट, समझ गए आपको कि इसको कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इतना चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है कि फिगर कैसे ड्रॉ करना है, कहां क्या दिया गया है, तो किसको कहां क्या लिखेंगे, इतना जो फालतू हम लिख रहे हैं ना ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, सीधा यहीं पर वैल्यू लिखना है और सर्किट के माध्यम से सबका करंट वोल्टेज आपको निकाल लेना है, ठीक है, तो अभी सिर्फ समझा रहे हैं, जब क्वेश्चन का दौर चलेगा तो वहां पर ये सब चीज लिखेंगे नहीं, सीधा सीधा कहां क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आंसर पर, थोड़ा सा रफ लीजिए, आप देखिए जनरल कंप्यूटर में एक ही पेज में 100 सवाल बना लेते हैं, तो भाई हम भी एक ही पेज में 100 तो नहीं 50 तो बना ही सकते हैं, वैसे वो आगे चलेंगे, अभी आप समझिए सीखिए फिर हम लोग बेहतर तरीके से बनाएंगे, ठीक है इसको नोट करिए, चलिए अभी क्वेश्चन है कि ये 2 किलोवाट के 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर है और कितने लोड की आपूर्ति लेगा, भाई इसमें आपको समझ में आ रहा है 2 किलोवाट के जनरेटर के 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर है, मतलब कितने लोड की आवश्यकता होगी, लोड कितना लोड करेंट के बारे में पूछा, उसने एम्पीयर पूछा, इसमें कुछ दिया ही नहीं, कह रहा है कि 2 किलोवाट, ध्यान दीजिएगा कोई भी जनरेटर है ना, जनरेटर ऐसे लोग स्टंट बना दे रहे हैं, वो कितना दे रहा है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का मतलब 2000 वाट दे रहा है पावर, ठीक है 2000 वाट दे रहा है और कह रहा है कि वोल्टेज कितना है, ये जो दे रहा है कितना 200 वोल्ट दे रहा है, पूछा कितना आपूर्ति लोड होना चाहिए करंट में, अरे भाई लोड के साथ करंट की बात करें, याद रखिए क्या दिया गया, याद रखिए ये 2000 वाट क्या है पावर है ना, पावर है 2000 वाट है, 2000 वाट आपका पावर है, 2000 वाट पावर है, यहाँ पर देखिए वोल्टेज दिया हुआ आउटपुट दिया कितना 200 वोल्ट है, भैया जब बेटी आप बताइए पावर क्या होता है, किसी भी जनरेटर का आउटपुट पावर क्या होता है, पावर आउटपुट यानी ओपी ओपी आउटपुट पावर कितना हो जाएगा वीएल इंटू आई एल, ये फॉर्मूला आपको याद होगा और वैसे नॉर्मली आप लिख लीजिए, ये देखिए क्या हो जाएगा आगे बढ़िए, तो पावर कितना है 2000 वाट, ठीक है 2000 वाट है और याद रखिए समझिए बात को 2000 वाट है और आपको क्या पूछ रहा है भाई वीएल दिया गया है कितना 200 आप पूछ रहे हैं आई एल, तो सबको निकाल लीजिएगा कोई दिक्कत ही नहीं, यानी आई एल बराबर क्या हो जाएगा 2000 बटे 200, ये हो जाएगा कितना याद रखिए कितना आया 2000 बटे 200, ठीक है ये जीरो ये जीरो ये जीरो कर गया ये 10 हो जाएगा, ठीक है इसमें आंसर आएगा 10 एम्पीयर, चलिए ठीक है आपका ऑप्शन कितना है 10 एम्पीयर, समझ गए आपको, इसमें कुछ नहीं था कि जो आउटपुट पावर भी बता दिया था अब वोल्टेज भी बता दिया था, तो पावर जितना खर्चा होगा वोल्टेज है तो करंट को निकल जाएगा, समझ गए चलिए धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा कोई टेंशन नहीं लीजिए, चलिए बढ़ाएं आगे, अब ध्यान दीजिएगा अब ये क्वेश्चन आप लोग बना के लीजिएगा, ठीक है और ये क्वेश्चन हम आपको अभी नहीं बताएंगे और दो क्वेश्चन ये क्वेश्चन है और देखिए आपको कंप्लीट है वही क्वेश्चन की क्लास में आपको दे दिया होमवर्क के लिए अपने मन से बनाइए और जनरेटर आपका सन जनरेटर है, ठीक है तो सन जनरेटर करना अपने से फिगर बनाएगा और जहाँ जहाँ क्या क्या गिवन डाटा है उस सबको अच्छे से सेकंड करके लिखिएगा और सोचिएगा कहाँ से करंट निकला कहाँ कहाँ गया है कौन कौन सा दिया गया है और सर्किट में कैसे निकालेंगे, एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं आप उस पर तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग कि बूस्ट चार्जिंग का ये सारे चार्जिंग आप देख लीजिए कब प्रयोग करते हैं कहाँ प्रयोग करते हैं इसके बाद बात करेंगे।